दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल शॉप पर बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं? तो बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ जाकर बात करना होगा, और आज की बजाज फाइनेंस का जो पोर्ट होता है वो खुलने में कितना टाइम लगता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल शॉप के लिए बजाज फाइनेंस का पोर्ट कैसे खुला है, जिससे आप अपने मोबाइल शॉप पर फाइनेंस की फैसिलिटी स्टार्ट कर सकें। अभी के टाइम में 2024 के टाइम में अधिकतर जो मोबाइल शॉप पर सेल होता है उसमें 80% से लेकर 90%, 80% से लेकर 90% तक का जो सेल होता है मोबाइल शॉप पर वो फाइनेंस के थ्रू होता है, और बाकी जो बच गया 10% वो अप्रॉक्स 10-20% अप्रॉक्स कैश से सेल होता है। तो अभी के टाइम में आपको अपना मोबाइल शॉप अच्छा से रन करना है तो उसके लिए आपको बजाज फाइनेंस का कोड होना बहुत ज़रूरी है। तो बजाज फाइनेंस के लिए कोड के लिए सबसे पहले तो आपका अपना एक बिलिंग रहना चाहिए, आपका एक GST बिलिंग रहना चाहिए। जैसे कि आप ओप्पो कंपनी का फ़ोन बेचते हैं, वीवो कंपनी का फ़ोन बेचते हैं, सैमसंग कंपनी का फ़ोन बेचते हैं, किसी भी कंपनी का आपका GST के थ्रू बिलिंग रहना चाहिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिलिंग रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपके शॉप पर बिलिंग होता है तभी जाके आपकी फाइनेंस की फैसिलिटी स्टार्ट होने पाएंगी, क्योंकि वो जैसे कि ओप्पो कंपनी का हो गया, वो आपका बिलिंग जैसे आपको ओप्पो कंपनी से ओप्पो कंपनी का फ़ोन और बजाज फाइनेंस एड करना है तो सबसे पहले आपको ओप्पो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डायरेक्ट बिलिंग करवाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डायरेक्ट GST बिलिंग जब आप करवाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप डायरेक्ट माल लेंगे, मोबाइल आप लेंगे ओप्पो कंपनी का, मान लीजिए मोबाइल लेंगे, तब जाके आपको फाइनेंस की फैसिलिटी स्टार्ट होगी। और फाइनेंस की फैसिलिटी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको 10 पीस या 15 पीस का सेलिंग रहना चाहिए प्रत्येक 3 महीने में। अगर आप रेगुलर 3 महीने में 10 से 15 पीस का सेलिंग करते हैं तब जाके आपको फाइनेंस फैसिलिटी कोड ओपन होगा, नहीं तो आपका कोड ओपन नहीं होगा। क्योंकि पहले के टाइम में जब बजाज फाइनेंस नए नए आया था उस टाइम बहुत सारे मोबाइल शॉप में कोड ओपन करके दे देते, लेकिन हम तो अभी बजाज फाइनेंस के बहुत सारे फैकल्टीज हो गए हैं। इस वजह से बजाज फाइनेंस अब चाहता है जिस शॉप पर सेल हो उसी कंपनी पर फाइनेंस का कोड स्टार्ट हो, इसलिए आप उसका मिनिमम 10 से 15 पीस का रेगुलर अगर लगातार 3 महीना अगर सेल करते हैं तब जाके आपका कोड ओपन होगा। ओप्पो कंपनी का बिलिंग करवाने के लिए, वीवो कंपनी का बिलिंग करना, या अदर किसी भी कंपनी का बिलिंग करवाने के लिए, यानी कि डीलरशिप लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जाके अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी का डीलरशिप कैसे महीने की। जैसे कि आप मान लीजिए ओप्पो कंपनी से आपका बजाज फाइनेंस का मर्ज करना है, तो उसके लिए आपको पहले 3 महीने आपका सेल अच्छा रहना चाहिए, मिनिमम आपको 10 से 15 पीस ओप्पो कंपनी का अगर बिलिंग करवाना है, ओप्पो कंपनी से आपको बजाज फाइनेंस का मर्ज करना है तो आपको महीना में 10 से 15 पीस का सेलिंग रहना चाहिए। ठीक है, महीने में आपको लगातार 10 से 15 पीस 3 महीने लगातार आप बेचते हैं तब जाकर आपको कंपनी वाले बजाज फाइनेंस भी देखते हैं कि अगर आपका सेल अच्छा है तब जाकर आप फाइनेंस की फोर्ट खोलेंगे, फाइनेंस फोर्ट ओपन होगा। तो उसके लिए आपको कोड ओपन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बता दूँ। इसके लिए आपको आपका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक करेंट अकाउंट का कैंसिल चेक लगेगा। ठीक है, आपका GST जो है, GST नंबर आपका जो आपका लगेगा, और आपका ट्रेड लाइसेंस लगेगा, एक दुकान का स्टैंप लगेगा, यही 5-6 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप जाकर बजाज ऑफिस में जाकर जमा दीजिए, आपका 1 हफ्ते के अंदर अगर आपका सेल अच्छा रहा तो अप्रूवल हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर आपका कोड खुल जाएगा। उसके बाद आप अपने शॉप पर आसान तरीके से आप बजाज फाइनेंस के थ्रू अपना फ़ोन जो है सेल कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस के थ्रू अपना फ़ोन सेल कर सकते हैं, अपने शॉप की सेल को बढ़ा सकते हैं। तो बजाज ऑफिस का एड्रेस जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा, बजाज ऑफिस का एड्रेस है वो आपको आसानी से आपके जो भी सिटी में रहते हैं वहाँ पे बजाज ऑफिस होगा, वहाँ पे जाकर आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा दीजिए जो मैंने बताया, आपको आपका कोड ओपन हो जाएगा और आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज मिल जाएगी। और बजाज कंपनी की तरफ से आपको एक कंपनी का बंदा प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके शॉप पर फाइनेंस करेगा। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कस्टमर से वो लेकर आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज आपको पूरा करेगा। तो फाइनेंस की फैसिलिटी कैसे काम करता है तो मैं बता दूं कि जैसे कि आप 10,000 का फ़ोन फाइनेंस कर रहे हैं, 10,000 का फ़ोन फाइनेंस कर रहे हैं, 4,000 रुपये डाउन पेमेंट आ रहा है, बाकी जो 6,000 रुपये है, 4,000 रुपये तो आपने डाउन पेमेंट ले लिया, बाकी के जो 6,000 रुपये हैं वो जब फाइनेंस कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना जो GST बिल रहता है, आपका जो GST वाला दुकान का जो बिल रहता है, पेपर बिल रहता है, उस पर आप जो भी मॉडल लिख कर जो भी आप GST बिल आपको
फोटो क्लिक कर आप बजाज फाइनेंस के लड़के को देते हैं। बजाज फाइनेंस का लड़का वो अपने ऑफिस में वो फाइल को सबमिट करता है, तब जाकर आपको जो 6,000 रुपये हैं, तब जाकर आपको एक दिन के अंदर ही आपको 6,000 रुपये मिल जाएंगे, मतलब टोटल आपको 10,000 रुपये मिल गया। तो इस तरह से बजाज फाइनेंस काम करता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का बैंक है स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक से उसका फाइनेंस हो रहा है बजाज फाइनेंस के थ्रू, तो बजाज फाइनेंस वाला स्टेट बैंक से लिंक है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस वाला ही महीना महीना जो है स्टेट बैंक से उसका पैसा काटेगा, और आपको बजाज फाइनेंस टोटल जो है आपको 6,000 रुपये प्रोवाइड कर दिया कि आपको टोटल 6,000 रुपये इधर मिल गया, बजाज फाइनेंस दे दिया, डिस्पर्स आपका अकाउंट में दे दिया, जो भी आप करेंट अकाउंट खुलाएंगे उस अकाउंट में आपको दे देगा, और 4,000 रुपये आप कस्टमर से ले लिया, मतलब 10,000 रुपये टोटल आपका आ गया दोस्तों। अब अगर अभी भी कोई डाउट रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल तो नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।